हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक जो कि होने वाला है इंडियन की क्लाइमेट के ऊपर और वेजिटेशन के ऊपर, राइट। ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, सो डिटेल में करेंगे इसके बारे में। सो स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट से। तो आप देख ही सकते हैं पिक्चर से कि जो क्लाइमेट है अपना इंडिया का, वो अलग अलग जगह का अलग अलग तरीके का है। डेजर्ट का अलग है, ठीक है, जो कश्मीर है, जम्मू है, वहां का अलग है। तो बेसिकली क्लाइमेट होता क्या है? तो क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर, कि कैसा एवरेज वेदर जम्मू कश्मीर में ऑल टाइम रह रहा है या केरला में ऑल टाइम रह रहा है, जो कि बहुत सालों से देखा गया है, राइट। तो दैट इज द क्लाइमेट, ठीक है। वेदर डेली चेंज होता है, देखिए लिखा है ना, वेदर जो है वो डेली चेंज होता है, राइट। जैसे डेली का टेम्परेचर चेंज हो गया, रेनफॉल, सनशाइन, बट क्लाइमेट जो है वो एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि हमारे, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वहां पर ज्यादा बर्फ पड़ती है, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि वहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, कि वहां पर ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर्स रहते हैं। ऐसे अगर हम प्लेन्स की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, बट अगर हम उसे कंपेयर करें राजस्थान के साथ, तो वो एक तरीके का प्रॉपर डेजर्ट है। तो क्लाइमेट जो रहेगा, जो काफी टाइम से टेम्परेचर या कंडीशंस रह रही है वेदर की, दैट इज क्लाइमेट। और वेदर जो डेली जो चेंजेस हो रहे हैं एटमोसफेयर में, दैट इज वेदर, ठीक है। तो कोई भी क्लाइमेट है किसी भी प्लेस का, वो डिपेंड करता है लैटिट्यूड पे, एल्टीट्यूड कितनी हाइट है, पोजिशन पे। अब अगर हिमाचल की बात करें तो वो हाइट पर है, राइट। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि वहाँ ठंडा एरिया ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू माउंटेन, डायरेक्शंस, सीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विंड्स, वहां पे कैसे विंड्स फ्लो करती है। तो इंडिया में 4 सीजन मेजर आते हैं। विंटर की बात करें तो वो दिसंबर टू फेब्रुवरी वाला रहेगा। विंटर के सीजन में कूल ड्राई विंड्स चलती है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और जो सनरेज है वो सीधा डायरेक्टली फॉल नहीं करती है रीजन पे। पर अगर हम समर सीजन की बात करें तो वो मार्च से मई के बीच में आता है, और इन द हॉट वेदर सीजन सन डायरेक्टली फॉल करती है, इसीलिए गर्म हवाएं चलती हैं, जिसे हम लू भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपको दिन में देखने को मिल जाती हैं। अब मॉनसून है, राइट। मॉनसून जो है वो आपका जून टू सितंबर में है, राइट। और इस सीजन में बहुत ज्यादा क्या मिलती है, बारिश देखने को मिलती है। विंड आपकी अरेबियन सी से ब्लो करती है और बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करती हुई आती है, जिससे बहुत सारा मॉइस्चर आता है और साथ ही में रेनफॉल आती है। और रीट्रीटिंग मॉनसून होता है, जो कि अक्टूबर से नवंबर तक होता है। जो विंड्स रहेंगी वो बैकवर्ड मूव करेंगे फ्रॉम द मेनलैंड टू द वे ऑफ बंगाल, जिससे जो बारिश दोबारा से आती है, दैट इज कॉल्ड एज रिट्रीटिंग मॉनसून। अगर हम वेजिटेशन की बात करें, क्योंकि द चैप्टर इज ऑल अबाउट मॉनसून, द चैप्टर इज ऑल अबाउट क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, तो ग्रासेस, शर्ब्स, ट्रीज जो कि ग्रो करती हैं बेसिकली ह्यूमन बींग्स के बिना इंटरफेरेंस से, इंटरफेरेंस की स्पेलिंग यहाँ गलत है, राइट, बिना इंटरफेरेंस से, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। एग्जाम्पल, स्मॉल स्मॉल प्लांट्स, बुशेस, शर्ब्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, टॉल ट्रीज। सो इंडिया जो है आप बोल सकते हैं कि ब्लेस्ड है, क्योंकि वहां पे अलग अलग तरीके की ट्री, श्रब्स, ग्रासेस देखने को मिल जाती हैं। और नेचुरल वेजिटेशन जो है वो डिपेंड करती है क्लाइमेट के ऊपर। अगर क्लाइमेट अच्छा है, जैसे आप मानसून में देखते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको वेजिटेशन देखने को मिलती है, राइट, एज कम्पेयर टू ड्राई टाइम्स, राइट। सो नेचुरल वेजिटेशन किस पे डिपेंड करती है? अब टाइप्स की बात करते हैं तो क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। अब बात कर रही है हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है। तो जब आप देखते हैं कि जब हमारे एरिया में भी मॉनसून रहता है, आप किसी भी एरिया में रहते हैं तो मॉनसून रहता है, तो बहुत ज्यादा पेड़ पौधे आ जाते हैं, ग्रो करते हैं। सो आप बोल सकते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जहाँ बहुत बारिश होती है, वहां पर हेविली स्पीशीज आपको पाई जाएंगी, ट्रीज की, फॉरेस्ट की, विच शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स, अपने अपने टाइम पे शेड करते हैं लीव्स को, एंड दे ऑलवेज लुक ग्रीन, वो हमेशा ग्रीन दिखाई देते हैं, और जिनको हम एवरग्रीन भी बोलते हैं। यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बारिशें बहुत ज्यादा होती है। बारिश होने की वजह से जो पौधे हैं वो बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्रीन रहते हैं। पर ट्रॉपिकल डेसिडस की बात करें, तो ऐसे फॉरेस्ट जिनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, एंड दे आर लेस डेंस, ज्यादा घने नहीं होते, पर ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लीव्स को गिरते हुए, तो पत्ते झड़ जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट के। थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी बुशेस वो होते हैं जो बेसिकली आपके ड्राई एरियाज में रहेंगे, कांटेदार रहते हैं ये बेसिकली, इनपे स्पाइन्स रहती है, पानी का लॉस नहीं करते हैं, राइट। और
इन पे स्पाइंस रहती हैं, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं इनकी जो लीव्स हैं वो स्पाइंस की अंदर मॉडिफाइड है, और वो पानी को ज्यादा लॉस नहीं करते हैं क्योंकि वो डेजर्ट एरियाज में ज्यादा रहते हैं और वहां पे पानी की ऑलरेडी कमी रहती है। माउंटेन वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो ऐसे वेजिटेशन जो माउंटेन एरिया पे पाई जाएगी बहुत ज्यादा हाइट पर, 1500 मीटर टू 2500 मीटर, कोनिकल शेप हो सकती है, देख रहे हैं आप राइट, एंड विच आर कॉल्ड कॉनिफरस ट्रीज। बेसिकली जो यहाँ के ट्रीज पाए जाते हैं इस पे, क्योंकि जो शेप होगी वो कॉनिकल होगी, क्यों, ताकि अगर बर्फ इन पे पड़े तो बर्फ अपने आप ही नीचे की तरफ शेड ऑफ हो जाए। इसीलिए जो माउंटेन में के एरिया पे वेजिटेशन होती है वो कॉनिकल ट्रीज ज्यादा पाए जाते हैं, इसी वजह से उन्हें कॉनिफरस ट्रीज भी बोलते हैं। मैंग्रोव की बात करें तो मैंग्रोव ऐसा एरिया होता है जहाँ बहुत पानी रहता है राइट, बरसात बहुत होती है, और इनकी जो रूट्स होती है ना वो पानी के ऊपर होती है राइट, यानी सॉइल के ऊपर मडी वाटर रहता है बेसिकली। तो जो रूट्स होंगी वो बाहर पानी के बाहर आके ब्रीथ करेंगी, जनरली वो सलाइन वाटर में सर्वाइव करते हैं, नमकीन पानी में सर्वाइव करते हैं। सुंदरबन्स इन वेस्ट बंगाल, सुंदरी ट्रीज ये मेजर स्पीशीज है, तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया कौन से ट्रीज वेल नोन स्पीशीज पाई जाती है, तो दैट इज सुंदरी ट्रीज। सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।